सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की। नमस्कार दोस्तों, मैं मानसी सक्सेना एचपी न्यूज 24 में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के ग्राम जामोनिया गणेश में विद्युत मंडल के अधिकारियों की मनमानी से ग्रामीण लोग परेशान हैं। इधर गांव में आड़े टेढ़े बिजली के खंभों में विगत दिनों से करंट फैल रहा है और पेड़ों पर बिजली की केबल लटका रखी है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, जिसकी सूचना विद्युत वितरण केंद्र झाड़ला के इंचार्ज श्रीवास्तव जी को दी गई थी, लेकिन अभी तक उस पर किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई है। साथ ही श्रीवास्तव जी ने पत्रकार सतीश वैष्णव के साथ भी अभद्र व्यवहार किया और पुलिस की धमकी देकर किसी भी झूठे प्रकरण में फंसाने की बात कही। आप देख सकते हैं कि एक मीडिया कर्मी के साथ बिजली विभाग के अधिकारी का यह व्यवहार है तो आम जनता और किसानों के साथ किस तरह पेश आते होंगे। वहीं इस मामले को लेकर पत्रकार सतीश वैष्णव ने उचित कार्यवाही करवाने कुरावर थाने पर आवेदन दिया है। इधर ग्रामीणों ने बताया है कि गांव में जगह जगह बिजली की केबल नीचे लटक रही है और आए दिन टूट रही है, जिसे विद्युत मंडल के लोग नहीं सुधारते हैं, बल्कि गांव के ही लोग बिजली केबल जोड़कर जैसे तैसे बिजली सप्लाई की जाती है। इधर गांव में अटल ज्योति अभियान की धज्जियां उड़ाते हुए बिजली की केबल को पेड़ों पर लटका रखी है तो कहीं घरों की दीवारों पर ही टांग दी गई है, जिससे कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। ऐसे में अगर इस समस्या का शीघ्र ही निदान नहीं किया गया तो ग्रामीण लोग झाड़ला जोड़ पर विद्युत मंडल के खिलाफ उग्र आंदोलन कर धरना प्रदर्शन करेंगे। मंडावर से हुकम प्रजापति की रिपोर्ट। खंबे में कब से करंट आ रहा है? लगभग 4-5 दिन से आ रहा है और ये आंगनवाड़ी है, ये मंदिर परिसर है और ये हेडपम्प है। यहाँ औरतें बच्चे पानी के लिए आते हैं और गायें भी बैठती हैं। यहाँ गाय को करंट भी लगा, 2-3 लोगों को भी लगा, लगभग गाँव वालों ने सबने देखा और उनको हटा लिया। और ये विद्युत मंडल की बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे राम निवास जी मीणा हमारे आचार्य जी, उन्होंने हमने सबने मिलकर उनको इतला कर दी, लेकिन फिर भी वो आकर नहीं देखते, ये इतनी उनकी लापरवाही है। ऐसे में क्या करें गाँव वाले? बोलो, इस वाले खंभे में करंट उतर रहा है और उधर दिखाओ पहले, उधर पानी आने के कारण अगर पानी भर देता है, बच्चे छोटे बच्चे और गाँव वाले यहाँ से निकलते हैं इस खंभे के पास से, किसी ने टच कर दिया या उससे टकरा गया तो करंट लग जाएगा। बिजली विभाग को सूचना दी? बिजली विभाग के पास 3-3 बार सूचना कर दी। फिर क्या बोला? कुछ नहीं, कि वो मोती से बात करो, लाइनमैन से बात करो, कोई आता ही नहीं है। तुमने भी लगाया फ़ोन, उसके बाद भी कोई वो ही नहीं। एक दिन आए थे उस खंभे करंट उतर गया था, है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। और ये पानी यहाँ तक भरा जाता है, जब बेदरापुर आता है तो पानी पानी रहता है, मान लो इसमें और उसमें दोनों में करंट उतरा और पानी में करंट फैल गया, फिर क्या होगा? क्या कर रहे हो तुम? आपको मैंने रविवार को सूचित करा था। बंद करो सब नाटकबाजी। आपको मैंने रविवार को सूचित किया था। वो आपने हाँ, कोई कलेक्टर हो क्या? जाइए आप, कोई इंटरव्यू नहीं देता। हाँ, और बोलिए, कुछ और कुछ बोलिए। बोलिए मैंने, और कुछ बोलिए सर, जवाब दीजिए। इस तरह जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, इस तरह जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए। इतना स्टाफ काम करा रहा हूँ, आपके स्टाफ की कमी के कारण अगर कोई जान मान से जाएगा उसका क्या होगा सर? ये देखिए, विद्युत केंद्र झाइलास के इंचार्ज हैं ये, जो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर जा रहे हैं। ग्राम जामुना गणेश की समस्या है, जो 3-4 दिन से वहाँ के पोलों में करंट फैल रहा है, वजह है उसके जवाब देने के, उसके कार्रवाई करने के। जो इंचार्ज है श्रीवास्तव जी, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़कर और मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी कर